हेलो बच्चों, मैं सुदेश भारद्वाज आपको चैप्टर नंबर 5 कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और लेक्चर रहेगा हमारा नंबर 5। ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, सलामत रहें, लेकिन पढ़ने में ध्यान लगाएं। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3, वेरी इजी एक्सरसाइज। अगर आपको फॉर्मूले याद है बेटा, तो आपको ये इजी लगेगा चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो चैप्टर आपको क्या लगेगा, डिफ़िकल्ट। इसलिए फॉर्मूले याद करने ज़रूरी हैं बेटा। पहले आपको मैंने करवाए थे वीडियो नंबर, आपको जो फर्स्ट स्टार्टिंग में करवाई थी मैंने, उसमें आपको मैंने फॉर्मूले लर्न करवाए थे एक्सरसाइज 5.2 से पहले। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3, वेरी इजी एक्सरसाइज। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये ऊपर लिखा मिलेगा आपको, फाइंड द dy बाय dx, या आपको वो लिख सकता है फाइंड द या डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। गिवन फंक्शन, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हो सकता है आपके पेपर में। इसका मतलब भी यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, और ये है डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। आप देखो, दूसरे क्वेश्चन में जो है वो आपको दे दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। केवल आपका यहाँ डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपका बेटा, यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो इतना ही फर्क है। अब इनमें क्वेश्चन करने में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जब हमें dy बाई dx निकालना है बेटा, इसका मतलब है इसको हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे सबका, जितने भी आपको टर्म गिवन है उन सबको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ भी ऐसे लिखोगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सबके आगे लिख दिया आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब टू एक्स का क्या होता है, एक्स का आपको बताया गया कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इट मीन्स इट हैव पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 को आप आगे लाओगे x का ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो 1x 0। अब किसी के ऊपर भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो ये क्या हो गया आपका 2 × 1, इट मीन्स 2 हो गया। अब डी वाई डी एक्स 3y, 3 का जब आप करोगे बेटा, आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल y है, तो आप कैसे करेंगे इसको, आप नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे है साइन x, साइन x का क्या बताया गया था बेटा आपको, कोस x, क्लियर है ये, यहाँ पे साइन x का हो गया कोस x। अब यहाँ पर आपने करा 2x का होता है 2, 3x होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि x का हमेशा 1 होता है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर हम x का विद रिस्पेक्ट टू y करने लग जाएं बेटा, ऐसे इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा, dx by dy, इसका तब 1 नहीं होगा अगर हमारे पास फंक्शन x की फॉर्म में है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम केवल लिख सकते हैं dx by dy, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे y का मैंने लिखा dy by dx, इसको हम कर नहीं सकते हैं, जो x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का ही सॉल्व होगा, क्लियर है बेटा। ऐसे ही यहाँ पर z लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, dz by dx। अब इसमें हमने निकालना क्या है, dy by dx, तो dy by dx वाली टर्म को इधर लिख लेंगे
और बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे बेटा। और दूसरी तरफ ले जाते हुए आपको पता ही है साइन चेंज हो जाता है, कोस एक्स यहाँ पर आपको प्लस का दिख रहा है तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है वन। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पर थ्री है आपका इंटू में तो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा बाय में, ये है आपका आंसर। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितनी भी टर्म गिवन हो सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सब में लगाइए डी बाय डी एक्स और उसके बाद डिफरेंशिएट करना शुरू कीजिए। एक्स का वन हो जाएगा, अगर वाई है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स नहीं कर सकते तो आपको लिखना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स। इसी तरह यहाँ पर जेड हो जाए तो आपको लिखना पड़ेगा डी जेड बाय डी एक्स और थ्री आपको कॉन्स्टेंट आगे लिखा जाएगा। इसके बाद साइन एक्स का होता है कोस एक्स, आपको पता ही है। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो यहाँ पर है हमारे पास साइन वाई, तो साइन वाई का जब हम करेंगे तो ये लिखेंगे कोस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इस वाई को हम नहीं कर सकते इसलिए हमें साथ में लगाना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटा जब भी आपकी कोई वाई की फॉर्म में कोई भी फंक्शन होगा, अगर सिंगल वेरिएबल है तो वो सीधा डायरेक्ट डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे, लेकिन अगर हमारा किसी और चीज फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वेरिएबल है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेरिएबल है तो वहां पर उसको पहले हम सोल्व करके डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टू इंटू वन, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हर किसी टर्म के आगे d by dx लिखना है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। 2 into 1 हो गया और 3 into क्या हो गया dy by dx। अब sin y का होता बेटा cos y, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा dy by dx। इस टर्म को देखिए बेटा ध्यान से, केवल यही आपका यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपकी देखिए dy by dx वाली एक टर्म इस तरफ है और एक टर्म इस तरफ है, तो आप dy by dx वाली एक तरफ करेंगे, ये आपका हो गया 3 minus cos y dy by dx। यहाँ पर आपकी dy by dx एक ही फॉर्म थी तो उसको हमने इस तरफ रखा था और बाकी जो हमारे पास टर्म थी उसको हम किस तरफ ले गए, राइट हैंड पे। अब यहाँ पर देखो बेटा इसको हम ले आए लेफ्ट पे और टू को ले जाएंगे राइट में, ये माइनस का हो जाएगा। अब आपने निकालना डी वाई बाय डी एक्स, तो आप इसको क्या करोगे, जो इनटू में होता है वो बाय में चला जाएगा और आप चाहो तो बेटा इसके साइन भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ माइनस टू दिख रहा है तो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो ये आपका यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा और ये लिखा जा सकता है कोस वाई माइनस थ्री। क्लियर है बेटा, ये माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस से माइनस कट कर दिया तो ये आपका बन गया कोस वाई माइनस थ्री। क्लियर है, स्टार्ट कैसे करेंगे, हर किसी टर्म का डी बाई डी एक्स लिखिए। आपको यहाँ पर हमेशा जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आया है, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू वाई दे दे तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा डी एक्स बाय डी वाई और इसका फिर वन हो जाएगा 3 इंटू वन, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं वो आपकी टर्म जो है यहाँ पर अगर सिंगल टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन वन हो जाता है, लेकिन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वेरिएबल है वाई तो उसको बेटा डायरेक्ट लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर करा है साइन वाई का कोस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स रहेगा, यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स की एक सिंगल टर्म है, यहाँ पर दो टर्म हो गई तो आपने निकालना लास्ट में जाके डी वाई बाय डी एक्स, पहले डी वाई बाय डी एक्स एक तरफ कीजिए और सिंपल वाली एक तरफ कीजिए। क्लियर है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया बार बार एक चीज को बता के, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में बेटा यही काम करना है, अगर उसी वेरिएबल में आपका फंक्शन है तो वो एक ही बार में आपका सीधा निकलाता है उसका डिफरेंशिएशन, अगर आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और वेरिएबल आपका दूसरा है तो उसको आपने ऐसे लिखना है इनटू डी वाई बाय डी एक्स। अब हम करते हैं बेटा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, बस आपको करना है फॉर्मूले
फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई। क्या करेंगे इसमें, एक्स का आपको अभी बताया बेटा, तो क्या हो जाएगा ए इंटू वन प्लस, अब वाई की टू का क्या करेंगे, टू वाई। आप पहले पावर को सोल्व करते हैं, टू वाई हो गया और ये कांस्टेंट आपका है, लेकिन आपको बताया यहाँ पर वाई जब होगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही है, ठीक है बेटा। इसी तरह से इस तरफ वाले का आएगा कोस वाई का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना आपको, कभी भी वाई की फॉर्म में है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो उस टर्म के साथ आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा। पहले पावर सोल्व करी उसके बाद वाई का करा तो वो आया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आपका बन गया बेटा, पहले डी वाई बाई डी जो आपके डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कीजिए, तो ये आपका बन गया टू बी वाई प्लस में साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और सिंगल जो है टर्म वो है माइनस है, यहाँ ले जाइए। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, माइनस ए बाय टू बी वाई प्लस साइन वाई, क्लियर है बेटा। ये इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कोई माइनस नहीं है, आप कॉमन ही नहीं ले सकते, तो ये एज इट इज आपका आंसर रहेगा। आप इस माइनस को चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हो या ऊपर भी रह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे दिया बेटा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको क्या कर दिया है, टर्म एक बढ़ा दी। अब तक आप थ्री टर्म्स वाले कर थे, अब ये आपका थोड़ा सा फोर टर्म्स का हो गया है, लेकिन करना हमने वैसे ही है, आपको बताया है पहले डी बाई डी एक्स लगा लीजिए चाहे कितनी भी टर्म हो, ये काम आप सबसे पहले कर दीजिए। टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी कहीं पे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है बेटा, टू फॉर्म में दिख रहा है। टू फॉर्म का क्या मतलब है, यूवी फॉर्म। यूवी फॉर्म का फॉर्मूला आपको बताया था मैडम ने, फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो वाई का क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स, जो पिछले आपको थ्री क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। अब वाई एज इट इज इनटू एक्स का होता है हमेशा वन, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो आप देखो डी एक्स बाय डी एक्स लिखोगे तो कट के क्या बन गया, वन बन गया। अब यहाँ हो गया ये आपका फर्स्ट पार्ट का, अब y की 2, y की स्क्वायर लिखी हुई है तो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये ध्यान रखो बेटा, बार बार बता रही हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और y है ऊपर, अगर इससे अलग वेरिएबल है आपका तो वो लिखा जाता है डी वाई बाय डी एक्स। मान लो यहाँ पर z है तो आप लिखोगे dz बाय डी एक्स, पावर है तो पावर सोल्व कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोल्व कीजिए पहले। अब 10x का क्या होता है, sec square x, अब यहाँ कुछ नहीं लगेगा बेटा, क्यों, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10y होता तो आप लिखते sec square y into dy by dx, अब यहाँ पर आपका ये हो गया dy by dx। अब जितनी भी आपकी dy by dx वाली टर्म है एक तरफ ले आइए, x प्लस 2y, ये भी dy, ये भी dy और ये भी dy। अब कुछ भी अगर आगे कोफिशियंट नहीं है तो इसका मतलब बेटा वन होता है, यहाँ पर आपका आ गया माइनस वन। अगर कुछ भी यहाँ पर आपके पास कोफिशियंट नहीं है तो उसका मतलब वन होता है। ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स वाली सारी टर्म हमने इकट्ठी कर दी, और अब सिंगल वाली उधर ले जाइए, sec square x माइनस वाई, ये प्लस वाई था बेटा उधर ले गए माइनस वाई हो गया। अब डी वाई बाय डी एक्स हमने निकालना है तो आप लिख सकते हो sec square x माइनस वाई बाय में क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो दिख रहा है वो सारा कहाँ आ जाएगा, बाय में, क्लियर है बेटा।
तो अब इनको बेटा हम रब कर देते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हो कि इस चीज़ को मैडम दोबारा क्लियर करा दो। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलिए बेटा, अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियो बनाने के हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे और हमारा चैनल अच्छी तरह से चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें वही आपको दिख रही है फोर टर्म्स, तो डी बाई डी एक्स लिखिए, जहां मैंने नहीं लिखा वहां आप लिख सकते हो बेटा। आपको बताया सबसे पहला काम आपने यही करना है, डी बाई डी एक्स लिखिए हर टर्म के साथ। अब आपको पता ही होगा किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2x, सिंपल हो गया। ये आपको वही दिख रहा है यूवी फॉर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको, कहीं भी देखोगे अधिकतर क्वेश्चन में ये है आपकी फॉर्म। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट कहलाता है बेटा, ये सेकंड है आपका। तो फर्स्ट हम एज इट इज करें, मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का मतलब है इसको डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का होता है 1, यहाँ पे अब वाई स्क्वायर का करोगे 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है आपको, वही हर क्वेश्चन की तरह डी वाई बाई डी एक्स वाले अलग रखने हैं और सिंगल वाले दूसरी तरफ ले जाने हैं। ये आपका बन गया एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। देखो ये दिख रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स और ये दिख रहा है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया और जो आपकी सिंपल टर्म है उनको हम उधर ले जा रहे हैं, दोनों माइनस में हो जाएगी। तो माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ बेटा, ये देखो माइनस टू एक्स माइनस वाई। अब माइनस को मैंने कॉमन ले दिया तो मैं कहाँ रखूंगी इसको, यहाँ मेन, जो मेन आपका बाय का साइन है उसके सामने। ये अब आपका क्या होएगा बेटा, नेक्स्ट टर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको आप कहाँ ला सकते हो, नीचे। अभी मैं बाय में नहीं लिख रही तो ऐसे लगा दूंगी ब्रैकेट में, और उसके बाद जब बाय में लिखेंगे तो हम उसको साइन के आगे लगा देंगे, 2x प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई। ये माइनस बेटा हम कॉमन कब ले सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, माइनस तब कॉमन हो सकता है जब नीचे वाली टर्म में कोई माइनस नजर आ रहा हो। अब यहाँ तो आपको कोई माइनस नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए जो ऊपर वाली टर्म के माइनस आया वो आगे ही रहेगा। क्लियर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया था। अब चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ बेटा। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हम करते हैं बेटा अपना सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अब इसमें 5 टर्म हो गई है, इसी तरह टर्म बढ़ती जाएंगी बेटा, लेकिन करना वही है, हमने फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहला काम है हमारा डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले याद करना। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो जाते हैं बेटा, जो आपके 6 चैप्टर में भी यूज़ होंगे, और आपके 7 चैप्टर में क्या होता है जो इंटीग्रेशन है उसमें इनका अपोजिट हो जाता है। अगर आपको 5th के याद होंगे तो आपको इंटीग्रेशन के ईजिली याद हो जाएंगे, आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको यही आपके फिक्स याद नहीं होंगे तो आप क्या हो गए, कन्फ्यूज़ होते रहोगे 7 चैप्टर में। इसलिए सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को आपने क्या करना है, क्लियर करना है। तो अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर, आपका चल रहा है 6 क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हमने डी बाई डी एक्स लिखना है, उसके बाद वही काम पावर को सॉल्व करना है, इसके बाद वही यूवी लगाना है। यूवी में आपको पता चल चुका है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस
सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट फिर वही आपको यूवी नजर आ रहा है, डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया एक्स इंटू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस, अब हमारी यहाँ बच रही है फोर्थ टर्म बेटा, तो फोर्थ टर्म का आपका हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में आपका कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है जीरो। अब वही जो हर बार हम कर रहे हैं बेटा, हर क्वेश्चन में वही बात कह रहे हैं आपको, डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे कीजिए और सिंगल वाले अलग कीजिए। आप देख रहे हो आपका यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाले कितनी टर्म है, थ्री टर्म्स है। अब इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर और बाकी को हम ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पे कौन कौन सी टर्म जा रही है आपकी बेटा, ये आपकी जा रही है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यहाँ मैंने मेन सब में माइनस कॉमन ले लिया बेटा, इसलिए मैं सबको अब क्या लिखूंगी प्लस, क्योंकि सारी टर्म प्लस की हैं, उधर जाके माइनस की हो जाएंगी। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये थ्री टर्म्स आपकी इस तरफ आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप करेंगे माइनस बाहर लेंगे मेन डिवाइड के सामने, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बाय में आपकी ये टर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो इसी तरह के हमारे एट क्वेश्चन है बेटा और नेक्स्ट जो उसके बाद नाइन से स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी एक टाइप के पुट करने वाले, जो आपको सेकंड चैप्टर में समझाए गए थे पुट करना है, किस तरह से पुट करना है, कभी साइन थीटा पुट करना है एक्स को, कभी कोस थीटा पुट करना है, कभी टेंजेंट थीटा पुट करना है, उसके लिए मैंने आपको बेटा प्रॉपर्टीज़ बताई थी डिटरमिनेंट की और ये भी सिखाया था सेकंड चैप्टर में कि यहाँ पर हमने साइन क्यों रखा, यहाँ पर हमने कोस क्यों रखा। तो इस जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको कराऊंगी तो उसको करने से पहले एक बार आप वो सेकंड वाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट देख लेना। अब हम कर रहे हैं बेटा सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, सेवन्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें हम करेंगे साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है बेटा साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू पाई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, डी बाई डी एक्स वही सबसे पहले आपको जो काम करना है वही कीजिए बेटा, ताकि आपका कहीं से भी हाफ मार्क्स ना कटो। डी बाई डी एक्स लगाइए, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसका करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही बात आपको बताई, सबसे पहला काम है आपका पावर सॉल्व कीजिए, टू साइन वाई रह गया यहाँ पे, वन रह गया तो वन हम लगाते नहीं है, उसके बाद आप साइन वाई का करेंगे बेटा। साइन वाई का ये आपको कब सिखाया था मैंने, एक्सरसाइज 5.2 में सिखाया था कि इसमें क्या लगता है चेन रूल। अब जब हमारे पास ज़्यादा टर्म हो जाती है तो हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा, सबसे पहले पावर सॉल्व हुई, उसके बाद फंक्शन सॉल्व होगा, उसके बाद वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। टू साइन वाई का होता है कोस वाई और फिर वाई का होगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है बेटा, कैसे हुआ, पहले पावर को सॉल्व किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किया, फिर वेरिएबल को किया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, पहले तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, उसके बाद ये इसके साथ है यूवी फॉर्म, तो हमें यहाँ दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यूवी फॉर्म को भी सॉल्व करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी, तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको बेटा, कोस एक्स वाई का क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का करेंगे ऐसे,
एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस में वाई इंटू वन और डी बाय डी एक्स पाई। पाई का क्या हो जाएगा बेटा, पाई क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वैल्यू आप सबको पता होगी क्या होती है इसकी वैल्यू, 22/7 जो मैथ में भी यूज होती है आपकी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह पाई की वैल्यू यूज होती है। या तो हम 22/7 कहते हैं, मतलब क्या है एक कॉन्स्टेंट ही है, या 3.14 आगे समथिंग होता है बेटा, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, इसका मतलब है ये एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर है बेटा, ये मैंने यहाँ जीरो क्यों लगाया। अब आपको करना है वही बार बार की तरह, हर बार जो आपको हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इकट्ठी कीजिए। तो ये आप देखो बेटा फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, 11th में करवाया है मैंने और आपके सेकंड चैप्टर में भी बताया ये मैंने। तो इसमें क्या करना है हमें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2y। याद आया फॉर्मूला, साइन 2x का क्या होता था बेटा, 2 sin x इंटू कोस एक्स। अब ये y की फॉर्म में है तो ये बन गया साइन 2y। यहाँ है आपके पास dy वाई बाय डी एक्स। अब ये जो प्लस माइनस है ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे रखिए, ये दिख रहे हैं आपको बेटा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन टू वाई माई एक्स साइन एक्स वाई, ये एक्स जो था वो मैंने आगे लगाया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। और इस टर्म को अब आप यहां ले जाओगे, माइनस आपको नजर आ रहा है, उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा। अब आप कहोगे वाई दिख रहा है बेटा, वाई के साथ आपको कॉमन भी दिख रहा है, इसके साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करके ले जाना है वहां पर। क्लियर है बेटा, माइनस था प्लस हो गया। अब आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, जो भी उसके साथ इंटू में है वो बाय में आ जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, 12th के क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, छोटे छोटे हैं, 12th में जो आपके 11th में जो क्वेश्चन थे वो लेंथ ही ज़्यादा थे, इसमें लेंथ ही नहीं है बेटा। लेकिन इसमें क्या है, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जब है, जब आप फॉर्मूले अच्छी तरह याद नहीं करोगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि फॉर्मूलेज को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन, ये दिख रहा है बेटा आपको। इस पार्ट की तरह आपके दोनों पार्ट दे दिए गए हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करेंगे। डी बाई डी एक्स लगाइए बेटा, साइन स्केयर एक्स डी बाई डी एक्स कोस स्केयर वाई डी बाई डी एक्स वन। अब ये आपका आएगा बेटा 2 sin x और sin x का होता है cos x, ठीक है, और x का करोगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर करना है 2 cos y, पहले पावर और फिर cos y का होता है बेटा माइनस साइन y, और फिर y का करोगे dy वाई बाय डी एक्स और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बेटा, कैसे किया मैंने, पहले पावर सोल्व की, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं, फिर डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब वही फॉर्मूला जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ यूज किया था बेटा, 11th वाला फॉर्मूला, वही यहाँ यूज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x और इसको लिख सकते हैं माइनस, ये आगे आ गया आपका हो गया साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
अब हम dy by dx निकालेंगे बेटा, तो आप इसको यहाँ ले जाओगे माइनस साइन 2x और ये नीचे आपका आएगा माइनस साइन 2y, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बेटा, ये आपका बन गया dy by dx। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं बेटा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते भी रहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे बेटा। बाय बाय।